मालवा में आज किसान कांग्रेस के महामंत्री के नेतृत्व में जयस्तंभ चौक पर देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ केंद्र सरकार को नींद से जगाने के लिए घंटी बजाओ ढोल बजाकर केंद्र सरकार को नींद से जगाने की कोशिश की गई। देश में पिछले 6 सालों में 12 करोड़ बेरोजगार बढ़ गए हैं, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 6 साल पहले युवाओं से ये वादा किया था कि प्रतिवर्ष लाखों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज सरकारी नौकरियों में कटौती की जा रही है, निजी कंपनियों में नौकरियों की युवाओं को बाहर किया जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार छीना जा रहा है। इसी के खिलाफ आज सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर अजय रघुवंशी, रोशन काबड़े, राम बाबू बैरागी, प्रवीण रघुवंशी, विष्णु यदुवंशी, बसंत रघुवंशी, अनिल पवार, वीरेंद्र राजपूत, जितेंद्र रघुवंशी, राकेश मामा उपस्थित हो गए। मतलब बेरोजगारी की दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए और सोई हुई सरकार को नींद से जगाने के लिए आज पूरे देश में बेरोजगारों के साथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस, यूथ कांग्रेस सभी घंटी बजाओ, थाली बजाओ, ढोल बजाकर सोई हुई सरकार को नींद से जगाना चाह रही है।